हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और आज है संडे। संडे की वीडियो है और आज ही मैं इसे अपलोड करूँगी। वैसे और भी वीडियो है मेरी, लेकिन वो दूसरे फ़ोन पे, उस पर नेट नहीं है, इसलिए आज मैं इसी वाले को शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बनाया, बस फ्रूट्स खा रहे हैं, पपाया और खरबूजा था शायद, खरबूजा और पपीता, यही मैंने काटा था और सब लोग इसी को खा रहे हैं। तो कभी कभी होता है ना कि हल्का फुल्का भी खाना चाहिए। बच्चों ने बोला कि नाश्ता करने का जैसे मन नहीं हो रहा है, तो इससे पहले हमारे बाकी के सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा जो भी होता है, बस उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। तो प्राप्ति मुझसे कुछ पूछ रही थी, बोल रही थी कि मेरी राइटिंग कैसी है, राइटिंग देखो। तो बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है। उसके बाद बर्तन मेरे साफ हो गए थे और झाड़ू पोछा बाकी मॉर्निंग का जो भी क्लीनिंग होता है ना हो गया था, बस किचन का रह गया था। बर्तन मैंने पहले साफ़ कर लिए थे, बस दो तीन थे इस टाइम जब मैंने वीडियो शुरू की, तो वो भी साफ़ कर ले। हाथ ही हाथ में सिंक को साफ़ कर दूंगी और ये जो सिंक के आसपास का एरिया है ना, यहाँ पे विम बार के चिट्टे से पड़ जाते हैं, तो इसे भी पूरा साफ़ कर लूँगी। और हफ्ते में एक बार ना ज़रा सा अच्छे से किचन की क्लीनिंग करनी होती है। वैसे डेली डेली नहीं हो पाता है, बस क्या करते हैं हम, जैसे झाड़ू पोछा लगा लिया, गैस स्टोव और स्लेब साफ़ कर लिया, बस इतना ही हो पाता है। लेकिन जो अच्छी तरह से सफाई होती है वो डेली डेली नहीं हो पाती है, तो एक बार हफ्ते में अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए। धूल वगैरह जम जाती है जो हमारे बर्तन रखे रहते हैं उनमें भी, और स्लेप वगैरह, तो वही क्लीनिंग कर रही हूँ मैं अभी। तो बाकी का तो हो गया था। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा ये सिंक का एरिया है जो, ये भी साफ़ कर लिया है। और इसके बाद देखती हूँ कितना कितना सूट कर पाऊँगी, क्योंकि हम जो लेडीज होते हैं इतना काम होता है, सुबह से लेकर रात तक पूरे दिन भर काम ही काम होता रहता है, लेकिन सारा रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि इसकी वीडियो बनाए तो थोड़ा थोड़ा ही बन पाता है, और पूरा रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो भी पता नहीं कितनी बड़ी हो जाएगी, बस थोड़ा थोड़ा ही शूट करना होता है। तो यहाँ पे भी जैसे धूल से जम जाती है ना, तो मैं सारे बर्तन निकाल लेती हूँ। यहाँ पे कुछ कप और गिलास वगैरह रखे थे वो निकाल दिए, और यहाँ पे भी मैं कपड़ा मार दूँगी। और बस आज यही है, थोड़ा सा किचन की ना अच्छे से क्लीनिंग हो जाए तो फिर अच्छा लगता है। किचन साफ़ सुथरा नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो ये काम जो है हफ्ते में करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो गाइज, आज किचन की क्लीनिंग का ही मैं शेयर कर रही हूँ, और बहुत लंबी वीडियो नहीं शेयर करूँगी, बस वीडियो छोटी ही बनाऊँगी। रिकॉर्ड तो मैंने और भी किए थी वीडियो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जितनी मेहनत करते हैं ना उसके बाद भी कोई, जितनी मेहनत करते हैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं छोटी वीडियो शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने कैमरा रखा था फ्रिज के ऊपर में, तो उसको अच्छी तरह से मैं सेट कर रही थी, बस ऐसे ही हो रही थी क्लीनिंग, बच्चे उस टाइम कर रहे थे पढ़ाई, तो बाकी का काम और भी था किचन में, जैसे दाल के और भी जो सामान रखा रहता ना डिब्बों में, तो वो भी मैंने साफ़ करने थे, लेकिन आज नहीं हो पाया, क्योंकि किचन की सफाई के अलावा ना और भी काम होते हैं। सब लोग नहा गए थे, कपड़े धोने थे, और घर में बस छोटे मोटे काम होते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा किसी और दिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं डब्बे वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे हम कुछ खाना बनाते हैं, तो दाल के या किसी छौंक के छिपे पड़ जाते हैं, तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, बस हल्का हल्का, जैसे बीच बीच में साफ़ करते रहो तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है फिर। और फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आप लोग बताइए आप लोगों के यहाँ कितनी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है और बहुत, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
आलस इतना आता कि अगर सुबह जल्दी ना उठो ना, तो उठते ही इतनी तेज धूप लगती है, बाहर जाके ये पता लगता है कि 10-11 बज गए होंगे, 6:30-7 बजे ही ऐसा लगता है। और आलस इतना आता कि मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। आजकल के लिए तो हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। छुट्टियों में ना, छुट्टियाँ गांव में बिताने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन हम नहीं जा पाए इस बार तो, हम 1-2 दिन के लिए भी नहीं जा पाए। वहाँ इतना अच्छा मौसम है गर्मियों के लिए, तो चलो काम तो करना ही है, धीरे धीरे करो। चाहे ये होता है कि स्पीड में जल्दी से काम निपटा लिया तो थोड़ा अपने आप को भी आराम मिल जाता है, थोड़ा बैठने का, मोबाइल देखने का, लेकिन काम धीरे धीरे करो तो पूरे दिन लगे रहो, काम ख़त्म ही नहीं होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी क्लीनिंग हो गई है, थोड़ा सा मैं अंदर भी कपड़ा लगा लूँगी सामान को सही रख के। और वैसे मैंने यहाँ ज़्यादा भी सामान नहीं रखा है, मेरे पास टंकियाँ हैं ना, तो मेरे टंकी के अंदर ऐसे खाली टंकी थी, तो उसके अंदर डब्बे वगैरह दाल के या कुछ और भी सामान के, मसालों की, तो उसमें डाल रखी है। और गाइज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैंने अभी चला रखा है कूलर और मैं बैठी हूँ बाहर वाले रूम में, तो कूलर की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। और मैं वॉइस ओवर ही ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मैं पहले से आवाज़ डालती भी हूँ ना, जब वीडियो बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, बच्चे कभी कुछ करते कभी कुछ करते, लड़ते झगड़ते रहते ना, तो वीडियो ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई थी और मैं आज की वीडियो में इतना ही शेयर करूँगी। अब वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर लेती हूँ। प्लीज़ वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलेंगे जल्द ही एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।